कुछ महीने पहले गाय को एक कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटे जाने से गाय बीमार रहती थी। इस बीच बीमार गाय के दूध का इस्तेमाल आसपास के घरों में हुई पूजा के दौरान किया गया था। पशु चिकित्सक से गाय की जांच कराने के बाद पता चला कि गाय को रेबीज हुआ है। रेबीज होने से उसकी मौत हो गई है, जिसकी जानकारी मिलने पर गाँव में हड़कंप मच गया। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने सभी लोगों से एहतियात के तौर पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने की अपील की है। उधम सिंह नगर के अरविंद नगर में गाय को लगभग 2 से 2.5 महीने पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटे जाने के कुछ समय बाद ही गाय बीमार रहने लगी थी। जब गाय की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो पशु चिकित्सक को बुलाया गया। गाय के लक्षण देखकर पशु चिकित्सक ने गाय को रेबीज होने की आशंका जताई। इसी बीच गांव के 2 घरों में पूजा संपन्न हुई थी, जिसमें इसी गाय के दूध से प्रसाद बनाया गया था। उस प्रसाद को सैकड़ों लोगों ने ग्रहण भी किया था। इसी दौरान गाय की मृत्यु हो जाने के बाद प्रसाद खाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। तत्काल ग्राम प्रधान पति पंजन बसु ने इसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक को दी। चिकित्सक ने प्रसाद खाने वाले सभी लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाने की सलाह दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिलाषा सिंह ने बताया कि 124 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। वहीं एहतियात जिन लोगों ने भी गाय के दूध से बने प्रसाद को ग्रहण किया, उससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाने के लिए अपील भी की जा रही है। पड़ोस में मेरे भैया के घर पे पूजा हुआ था, तो पूजा में जो प्रसाद बनता है उसमें कच्चे दूध का बनता है। वो दूध का प्रसाद हमारे मोहल्ले वाले ने सभी ने खाया। फिर हमें कल पता चला शाम को कि वो गाय का डेथ हो गया। गाय कल शाम को मर गई। अब गाय मर गई तो गाय को क्या हुआ, फिर घर वाले ने डॉक्टर को बुलाया, पशु डॉक्टर को। डॉक्टर साहब आके देखा, चेक किया, उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब ने बोला ये तो उनको तो रेबीज हुआ है, कुत्ते ने काटा है, ये काटने के बाद मरा है। उसके बाद सभी के पूरे मोहल्ले में सभी के अंदर दहशत फैल गया। ये तो दूध का प्रसाद हमने भी खाया, लक्की दूध का। फिर हमने सरकारी हॉस्पिटल में फोन करवाया प्रधान जी के द्वारा, तो हमारे प्रधान जी ने बात किया डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जिंजिनी ने कच्चे दूध का प्रसाद खाया, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।